आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। आर्थिक तंगी से जूझती मां ने 50,000 में बेचा अपने कलेजे के टुकड़े को। हावड़ बंधा स्थित आबादी के निकट जबरिया कूड़ा गिरा रहे निगम के खिलाफ लामबंद नागरिकों ने खोला मोर्चा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री बृजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत समेत दर्जनों दिग्गज बीजेपी नेता शरीक हुए दिवंगत पूर्व सांसद शहदमणि त्रिपाठी की तेरही में। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच समाप्त हुई बलिया नगर पालिका परिषद बोर्ड की हंगामेदार बेनतीजा बैठक। बलिया में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी को जिलाधिकारी अदिति सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और नई जनसंख्या नीति को नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने ध्यान भटकाने का हथकंडा और कांग्रेस की नीति बताया। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ इलाके में रविवार की शाम को हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रही एक मां ने महज 50,000 रुपए में ही अपने 3 महीने के मासूम बेटे को एक अन्य महिला के हाथों बेच दिया और घटना को छिपाने के लिए उसने बेटे के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 1 घंटे के अंदर न सिर्फ बच्चे को बरामद कर लिया बल्कि उस महिला को भी पकड़ लिया जिसने बच्चा खरीदा था। बच्चा खरीदने वाली महिला और बच्चे की मां दोनों पुलिस हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र के इलाही बाग का है, जहां रहने वाली सलमा खातून ने रविवार की शाम गोरखनाथ पुलिस को सूचना दी कि वह रसूलपुर स्थित शहनाई मैरिज हाउस के पास से पैदल गुजर ही रही थी कि इस बीच लाल रंग की साड़ी पहनी हुई एक महिला आई और उसके बच्चे को गोद से छीनकर 4-पहिया गाड़ी से फरार हो गई। बच्चे के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एसपी सिटी सोनम कुमार भी मौके पर पहुंच गए और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। कितना पैसा आप में आपने बच्चे को बेचा था? 50,000 बोली थी। 50,000 रुपए है आपके पास? जी, हम दे देंगे। लिखा पढ़ी भी कराया था? हाँ। तो फिर कंप्लेन क्यों किया पुलिस ने? तो हम अपने हस्बैंड को नहीं बताते सर जी, हम सोचे थे कि हम उनको ऐसे दे देंगे, आपको बताएंगे नहीं कि देते। तो फिर झूठ क्यों बोला कि पहले की पैसा नहीं मिला है? उसे निकल गया था गलती से सर जी, हम तो आप मानते हैं कि वो महिला बेगुनाह है? हाँ, वो बेगुनाह है। ये सब आप लोग का रचा हुआ था? बेगुनाह, उनको कोई गलती ना, कोई बताए सर जी। साईं जी, ये बच्चा आपके पास से बरामद हुआ, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप बच्चा को ले गई थी? बच्चा हम लिए नहीं थे, बच्चा हम गोद लिए थे क्योंकि माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम पैसा कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। तो ये किसी और के संपर्क से ये हम गोद लिए हैं और बजाते ये पैसा भी लिए और हमने सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाया। कितने पैसे लिए थे? 50,000 रुपये लिए। गोरखपुर नगर निगम के द्वारा राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर स्थित हावड़ बंधे पर आबादी के बीच गिराए जा रहे कूड़े की वजह से हो रही परेशानियों की वजह से स्थानीय नागरिकों के सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बंधे के आसपास हजारों की आबादी बसी हुई है और यहां लगातार मना करने पर भी हर दिन नगर निगम द्वारा सैकड़ों गाड़ियों द्वारा कूड़ा गिराया जा रहा है, जिससे आसपास के रहने वाले परिवारों के बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व पार्षद विजेंद्र अग्रहरी और स्थानीय निवासी राधेश्याम निषाद ने बताया कि हम लोग पहले से ही कोरोना महामारी के खौफ में जी रहे हैं और यहाँ पर नगर निगम द्वारा कूड़े के साथ ही मरे हुए जानवरों के शव भी फेंके जा रहे हैं। यहाँ विरोध मानवता को शर्मसार करने पर हो रहा है। आपके सामने ये मकान दिख रहा है, इस झोपड़े में किचन दिख रहा है, यहीं पे मवेशियों को फेंका जा रहा है कूड़ा पड़ाव के नाम पे। यहाँ पे कम से कम 13-14 बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं कालरा और हैजा से, और यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी आते हैं वो कहते हैं क्या कि यह नगर निगम की ज़मीन है, हम कुछ करेंगे। मैं भी बोर्ड का मेम्बर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, जहाँ जनहित के बात आएंगे, जन सुरक्षा की बात आएगी, तो किसी की ज़मीन हो, चाहे वो सरकार की हो चाहे नगर निगम की हो,
हम वहाँ कूड़ा नहीं फेंक सकते, वहाँ संक्रामक बीमारियों को दावत नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जबरदस्ती कूड़ा गिराया जा रहा है, जो मतलब यहाँ पर सारे लोग पूरे मोहल्लेवासी कूड़ा से प्रभावित हो गए हैं, जो यहाँ गिरना नहीं चाहिए। सारे मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं, इसके लिए जबरदस्ती कूड़ा गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और कर रहे हैं, और इसको यहाँ पर कम से कम पूरे जिले का कूड़ा पर डे गिरा रहे हैं। कम से कम 1500 गाड़ी डेली कूड़ा आ रहा है, जो ये गलत है। घनी आबादी के बीच में नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पर तमाम कई लोग बीमार पड़ गए हैं हमारे आसपास के, पूरे घनी आबादी है, यहाँ का कूड़ा गिराना बंद करें। और जो कूड़ा गिरा हुआ है, इसमें बड़ी बड़ी गाय है, भैंस है, तमाम जानवर जो कीड़ा पड़े हुए हैं उसको ले आकर के यहाँ गिरा रहे हैं। पीछे खेती हो रही है, पीछे घनी आबादी है, सभी लोग इससे प्रभावित हो गए, कई लोग बीमार पड़ गए। इस कूड़ा को नगर निगम प्रशासन तत्काल प्रभाव से रोके। मुख्यमंत्री जी के शहर है और जस्ट बगल में यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में है यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, और यहाँ शहर के अंदर जस्ट बीच में कूड़ा गिराया जा रहा है, सरासर गलत किया जा रहा है नगर निगम प्रशासन द्वारा। ये नहीं होना चाहिए, इसे तत्काल प्रभाव से रोके नगर निगम, और ये कूड़ा गिराए से हटाए और यहाँ पर इसको अपना कूड़ा शहर से बाहर गिराने का व्यवस्था करे। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण इस समय काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर लोगों के चेहरे पर चिंताएं साफ देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में हर टीकाकरण केंद्रों पर जरूरतमंदों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। जनपद के पेपराइज ब्लॉक के CSC पर भी लंबी कतारें लगी रहीं। इस CSC पर तैनात जिम्मेदारों के धीरे धीरे काम करने की शैली की वजह से कई दिनों से कुछ महिलाएं और पुरुष लाइन में लगते हैं, लेकिन उन्हें हर दिन बिना वैक्सीनेशन के ही लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। सर 7 बजे से लगा रहे हैं लोग, 5 बजे तक लाइन लगा रखे हैं, फिर वापसी चले जा रहे हैं। कुछ लोग जो है सर कुछ बीमार पड़ जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रहा है इन्हों का। समस्या है कि मैं करीबन 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगा रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है यहाँ पे, और यहाँ पे वैक्सीन भी कमी है। और फिलहाल ये बात यह है कि इनका जो तरीका टोकन बांटने का वो बहुत गलत है। ये कुत्तों की तरह टोकन फेंक के बांट रहे हैं, ऐसी बात नहीं, एक एक थमा दें। ये कुत्ते का टोकन फेंक रहा आदमी अपने आपस में लड़ जा रहा है, भीड़ भाड़ में किसी का पैर टूट जा रहा है, पीछे कुछ हो जा रहा है। वहाँ पे एक काउंटर पे किसी ने लेडीज़ ने किसी आदमी का हाथ खींच के उनका तोड़ कर दिया, उन्हें चोट लग गई है। और यहाँ पे बच्चों का कितनी बार पैर टूट गया है झड़ों में, यही सब यहाँ पर चल रहा है। 7 बजे से लाइन में लगल बाटो, अब तक तो करना मिल पूरे, ऐसे पहले भी कहियो आई लो यहाँ वो दिन भी नहीं मिल पूरा, तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन होगा, दोबारा सुई लगा। अच्छा, आधार कार्ड बा आपके पास? हाँ, क्या बा? दिखाओ जा। उत्तर प्रदेश पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कोरोना काल में असमय ही काल के गाल में समाये गए कोरोना दिवंगतों की स्मृति को संजोने के लिए पूरे प्रदेश भर में स्मृति वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में भी पंचायत भवन, शिक्षा और PWD विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी स्मृति वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है। उसी क्रम में वन विभाग गोरखपुर द्वारा तारामंडल स्थित चिड़ियाघर के बगल में आरोग्य वन की स्थापना भी की जा रही है। यहाँ तरह तरह के औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे और पौधों का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस स्मृति वाटिका में कोरोना से दिवंगतों की याद में अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे रोपित किए जा रहे हैं। बेसिकली स्मृति वाटिका का कॉन्सेप्ट ये है कि इस बार कोरोना वेव में सभी तरफ कुछ न कुछ पारिवारिक लॉस हुई है, लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, तो उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पौधा सभी लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रूर लगाएं, और उसे हम लोग स्मृति वाटिका का नाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक आरोग्य वन स्थापित किया जा रहा है रामगढ़ में, जहां पर जो तमाम औषधीय पौध होते हैं, लोगों को बहुत बार उनकी जानकारी नहीं होती है, उनको ये पता नहीं होता ये पौध कहाँ मिलेंगे और उसका क्या एडवांटेजेस हैं। तो एक आरोग्य वन हम लोग स्थापित कर रहे हैं रामगढ़ में, जहाँ पर जितने औषधीय पौध हैं उनका वृक्षारोपण होगा, उनका पौधारोपण होगा, और साथ ही साथ उसके क्या एडवांटेजेस हैं और कहाँ से ये पौधे मिल सकते हैं उसकी डिटेल, उसकी सूची दी जाएगी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति त्रिपाठी के झुड़िया स्थित आवास पर पहुंचे दिग्गज नेताओं ने उनके पुत्र व संत कबीर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय शरदमणि त्रिपाठी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आज शरद त्रिपाठी की 13वीं के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री बृजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत के साथ
कई दिग्गज नेताओं ने उनके पैतृक आवास पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोरखपुर जनपद के बेलघाट ब्लॉक से सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रही शकुंतला देवी के पति ने आज मीडिया के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन के दिन प्रशासन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मेरी पत्नी और प्रस्तावक से पर्चा छीनने के साथ साथ मारपीट भी की थी, जिसमें दोनों लोगों को चोटें भी आई थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक बनी रही। जिस दिन चुनाव 10 तारीख के सुबह सुबह हमारे 15 BDC को मार करके कमरे में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद करके उसको ताला मार दिया गया, उसके बाद एजेंट नहीं बनने दिया गया हमको, एजेंट हमारे अंदर कोई एजेंट गया नहीं, ये लोग 4-5 लोग मिल करके अपना सारा वो डलवा लिए और हमारे पास 60 VDC थे और सारा वोट अपने पक्ष में ये लोग करवा लिए, जबरदस्ती करवा लिए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 1.5 वर्ष बाद हुई बलिया नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक हंगामे के बीच बेनतीजा समाप्त हो गई। इस दौरान न तो नगर के विकास की रूपरेखा बनी, न ही जल जमाव से जूझ रहे नगर वासियों के लिए कोई रोड मैप पेश किया गया। शुरुआत में ही सभासदों ने चेयरमैन अजय कुमार से अब तक हुए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा, लेकिन चेयरमैन निरुत्तर रहे। इसे शुद्ध सभासदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वार्ड 16 के सभासद विकास पांडे लाला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन को अबील गुलाल पोत दिया। इसके बाद वो बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद भी सभासदों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और वे चेयरमैन की गाड़ी के समक्ष आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कोतवाली पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। बलिया नगर पालिका के सभासद विकास पांडे लाला का कहना है कि बलिया नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर बिना बोर्ड के बैठक के करोड़ों रुपए का लूटपाट हो रहा है। आज जो है भ्रष्टाचार की होली खेली गई है, क्योंकि बलिया नगर पालिका नगर पालिका नहीं रह गया है, बलिया नगर पालिका नरक पालिका हो गया है। क्योंकि आप आज लोग देख सकते हैं कि पूरे नगर में जो है जाम की स्थिति को देखिए, पूरा जो है शहर जल जमाव हो चुका है, चाहे वो काजीपुरा हो, आनंद नगर हो, कृष्णा नगर हो, यानी यहाँ तक हमारे घर भी जो है उसमें डूब रहे हैं। लेकिन ना सड़क का विकास हो रहा है, ना नाली का विकास हो रहा है, विकास के मामले में बस यहाँ जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी को गंगा बहुउद्देशी सभागार में बलिया के जिलाधिकारी अदिति सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रामविचार पांडे के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय मौजूद रहे। आनंद चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता व पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पास्को एक्ट लगने की वजह से नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि अंबिका चौधरी पर भी पास्को एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज कोविड महामारी के दौरान जिस तरह की चुनौतियां देश और पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें हम लोगों ने जिला पंचायत के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में खासतौर से तीव्र गति से विकास कार्यों को बढ़ाने का काम करने का प्रयास किया है पिछले कुछ माह में। मैं उम्मीद करती हूं कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी जिला पंचायत इसी तरह से आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान कोविड महामारी को हराने में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को चुनौती मानते हुए जहां नई जनसंख्या नीति को लागू कर दिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इसका विरोध करते हुए इसे सरकार का ध्यान भटकाने का हथकंडा करार देते हुए इसे कांग्रेस की नीति बताया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कांग्रेस के इतिहास को मिटा देंगे। इमरजेंसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था, उसी दौरान कई प्रलोभन नसबंदी के लिए भी दिए गए थे। नसबंदी प्रोग्राम इतना कड़ा बना दिया गया था कि प्रदेश की जनता परेशान हो गई और देश ने इंदिरा गांधी को पूरे देश से साफ कर दिया। जनसंख्या पर नियंत्रण जागरूकता से संभव है, जबरिया नहीं।
जब विनाश होना होता है तो मूर्ति विपरीत हो जाती है। क्या यह संभव है कि स्वर्ण का हिरण हो सकता है? वही कार्य भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, किसानों के मामले में, हर चौतरफा बिल्कुल वो पस्त हो गई है कानून व्यवस्था के मामले में। उसके पास अब कुछ करने के लिए चारा नहीं है तो ऐसे ऐसे हथकंडा अपनाएगी जिससे लोगों का फिर ध्यान इसके नाकामियों से भटके और लोग फिर उसको उठ दें। सिद्धार्थनगर जनपद में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह शांति के साथ संपन्न हो गया। ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें महिलाओं ने आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। लोहिया कला भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह के साथ 44 जिला पंचायत सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के साथ शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव को देखते हुए समझ लीजिए कि ये हमारी 2022 की तैयारी है। अखिलेश यादव के समय में और उसके पहले मायावती के समय में भी लोगों को यहाँ उठा के अपहरण करके पुलिस के द्वारा या गुंडों के द्वारा उठा कर ले जाया जाता था और किन्हीं को मार दिया नहीं जाता था। ये हम सब लोगों ने देख रखा है। इसी कारण प्रणाली को बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कदम रखा है और हम इसको पूरा निष्पक्षता के साथ और सर्वाधिक विकास करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं सिद्धार्थनगर से निर्वाचित हुई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जनता की सेवा करूँ, क्षेत्र का विकास करूँ और सिद्धार्थनगर को सबसे नंबर वन फैलाया। महंगाई के खिलाफ गोरखपुर जनपद के गोलघर में बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों में अचानक भगदड़ मच गई। कांग्रेसी जो बैलगाड़ी लेकर गोलघर आए थे उनका बैल अचानक कूद कर भागने लगा। गोलघर से भागते ही वे बैल नगर निगम परिसर में घुस गया। यहां भी काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन में जाकर बैठा दिया। सीओ कैंट राहुल भाटी ने बताया कि कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त थी। वो जटेपुर चौकी से शास्त्री चौक की तरफ रैली निकालेंगे क्योंकि कोविड पीरियड है और एक लिमिट से ज़्यादा भीड़ पर रेस्ट्रिक्शन है रैली निकालने में या किसी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन करने में, तो उनको इस बात की मनाही की गई। उसके बाद इस बात को समझाने पे वो जो 15-20 लोग एकत्र हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन दे के थे यहाँ से चले गए। ठीक है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे एकदम चाक चौबंद थी, जटेपुर चौकी पर भी, शास्त्री चौक पर भी, और किसी भी तरह का ट्रैफिक में कोई भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहा और किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जनपद में भी कांग्रेसी द्वारा महंगाई के खिलाफ निकाले गए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रैली में एक ही बैलगाड़ी पर कांग्रेसियों के सवार हो जाने की वजह से बैलगाड़ी टूट गई। ये हादसा जनपद के अंबेडकर चौराहे पर हुआ जिसमें एक कांग्रेसी का पैर भी टूट गया। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।